सो गाइज, अब हम लोग निकल चुके हैं गोवा के लिए। एक्चुअली हम घर पे इसलिए शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे अनन्या थी और हमें अनन्या से छुप करके निकलना पड़ा, क्योंकि अगर वो हमें देख लेती वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रोती। तो अब हम लोग बस पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुँच के हमें भैया की टिकट्स लेनी है, क्योंकि भैया का कोई भी प्लान नहीं था मतलब हमारे साथ जाने का। तो अब भैया भी हमारे साथ जा रहा है क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा था, किसी के पास भी नहीं चुप हो रहा था, तो हमें वो मजबूरी में उसको लेके आना पड़ गया। अब हमने अनंत की टिकट्स ले ली हैं और हमने सारी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब चीज़ करवा लिया है। अब हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की ओर। तो हियर वी गो। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे एयरपोर्ट पे, और ये हमारी फ्लाइट है। और भैया अभी सो रहे हैं। एक्चुअली प्लान में एक ट्विस्ट है, भैया बहुत रो रहा था तो हमने सोचा कि भैया को भी लेके चलते हैं। तो भैया भैया सो रहे हैं और इनकी मम्मा। तो चलो, यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हमें यहाँ से 1 बजे की फ्लाइट थी, बहुत जल्दी जल्दी में हमने किया है सारा काम। कैसा फील हो रहा है, भैया को भी ले जाना पड़ रहा है दोस्त है कहानी में, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? अभी तक तो सही है, बस ये कि यार ये फ्लाइट तो भी अच्छे से जैसे सोता रहे। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। ये देखिए जनाब, को फ्लाइट में बैठते ही जग गए हैं और अपना खेलना चालू। बस ये बेस्ट पार्ट है कि खेल रहा है, रो नहीं रहा है। भैया को बाहर का व्यू देखना इतना अच्छा लग रहा है कि वो हम लोगों को देख ही नहीं रहा है, एक बार भी हम लोगों को नहीं देख रहा है, बस वो वही बाहर का व्यू देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। हम कितना भी उसको देख रहे, भैया इधर देखो, इधर देखो, देख ही नहीं रहा है। देखो जरा इसको, बोलो वही बोलो। हम लोग दिल्ली, हमारी फ्लाइट लैंड कर रही है। अब हम दिल्ली टर्मिनल 2 पे पहुंचने वाले हैं। जस्ट अभी लैंड कर गए हैं हम लोग, तो अब हम बाहर जाके आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। एक्चुअली हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, तो लखनऊ टू दिल्ली हम आए हैं टर्मिनल 2 पे, और अभी हमारी फ्लाइट, अब नेक्स्ट फ्लाइट है हमारी 3:30 या 40 मिनट पे है, वो टर्मिनल 3 से है। तो अभी पूजा और अनंत, एक्चुअली अनंत ने पॉटी की है तो बेबी केयर रूम यहाँ पर है। ये अच्छी सर्विस लगी मुझे, छोटे बच्चों के लिए अलग से एक बेबी केयर रूम बना रखा है इन्होंने, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ये बहुत अच्छा पार्ट लगा मुझे। तो चलिए वो आते हैं, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और सारा सामान मेरे पास है, पूजा का बैग, भैया का, तो चलिए वेट करते हैं। पूजा, आप अपना एक्सपीरियंस बताएगी बेबी केयर रूम का, कैसा था वहाँ पे? सब कुछ ठीक था, मतलब सब कुछ वहाँ पर आपको खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ सही थी कि हाँ अलग से एक रूम है बच्चों के लिए, बेबी केयर रूम है। आपको चेंज करना, उनका क्लोथ चेंज करने या फिर उनका डायपर चेंज करना है, तो ये चीज़ फैसिलिटी तो मुझे सही लगी वहाँ यहाँ पर। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल 3 पे, और वहाँ से हमारी फ्लाइट है 3:50 पे है, ये मैंने अभी क्रॉस चेक किया, और फिर यहाँ से अभी हम गोवा जाएंगे, तो वहाँ पे 6:20 पे हम लैंड करेंगे। भैया भैया अभी मस्ती ले रहे हैं। भैया इधर देखो,
हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, जैसे कि अगर आप कभी किसी बच्चे के साथ, इन्फेंट किड्स के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, जो 8 मंथ या 6 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ या फिर 1 ईयर 2 ईयर जैसे भी है, तो अगर आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए भी अलग से टिकट रखती है। वो इन्फेंट अगर आप साथ में आप करवाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। और जो कॉस्ट आता है लगभग 1500 रुपीज़ आता है पर साइड का, जैसे कहीं पे जैसे दिल्ली टू गोवा जा रहे हो तो 1500 रुपीज़, वहाँ से आ रहे हो 1500 रुपीज़। तो एक ये अपडेट जो कि आपको देना था। तो चलिए अभी तो हम जा रहे हैं टर्मिनल सी पे, एक बार जल्दी से बोर्डिंग करते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं, तो देख के बताते हैं फिर आप। हम तो टर्मिनल सी पे आ गए हैं। भैया को छड़ी भुक्की लग रही है, भैया मुझे एकदम देखे जा रहा है, क्या हो गया भाई, क्यों हो गया? इनकी मम्मी की फरमाइश है, इनको भूख, इनकी मम्मा को भूख लगी है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, ऐसे यार जल्दी निपटाएंगे क्योंकि बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। तो मैकडी में हम थोड़ा बहुत अपनी पेट पूजा करके फिर चलते हैं। भैया 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 देखो तो क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? भैया अभी सोच में लगा हुआ है। भैया को भूख लग रही है, तो प्लान में थोड़ा सा चेंज। एक्चुअली भैया ने मना कर दिया, बर्गर वर्गर खाना नहीं है। तो हम यहाँ पे आए दिल्ली स्ट्रीट, यहाँ पर आए हुए हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। अभी वो गई है अंदर ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए अपने लिए। हम तो बस बैठे हुए हैं, भैया मेरे साथ पता नहीं किस सोच में है। भैया क्या सोच रहे हो? पता नहीं भैया क्या सोच रहे हो। देखो वो खड़ी है, वो वहाँ पे जाके हम लोगों को यहाँ पे बैठा के वहाँ पे अकेले अकेले ऑर्डर कर रही है। सही है भाई, ध्यान से देखिए इस प्राणी को, खाता ही जाता है। तो वही हाल हो गया इनका यार, देखो आप तो खा कर रखना, तो ढंग से खाई भी नहीं। सही बात है, मसाला डोसा मेरा फेवरेट है। और भैया को देखो, भैया यहाँ पे अपनी पावर नैप लेने की कोशिश कर रहे हैं। भैया तो सो गए, अभी पूरी नींद में नहीं है। और मैडम यहाँ पे लगी पड़ी है। कैसा था खाना यहाँ का? बढ़िया था, थोड़ा सा कॉस्टली। अरे उतना तो रहता ही है, तो जल्दी जल्दी आप 40 नंबर ढूंढो और जल्दी पहुँचो। तो ये मैडम देखिए, इनको देखिए, ध्यान से देखिए, मेरी क्या गलती? इन मैडम की वजह से सबसे लास्ट में हम जा रहे हैं। भैया भी सो गया है, इनको लेकिन पेट पूजा करनी थी। चलो कोई नहीं, पेट पूजा भी जरूरी है। गलती मेरी है, मेरी है ना, मेरी। ये देखो आनंद को, जैसे ही फ्लाइट में बैठते तुरंत जग जाता है। इनको बस फ्लाइट में बैठते ही नींद इनकी गायब हो जाती है, फिर ये खेलना चालू कर देते हैं। इनको बहुत अच्छा लग रहा है फ्लाइट में घूमना। हमारी सीट्स के जितने भी आसपास के लोग थे, सब आनंद को खिला रहे थे, सब उसको स्माइल करवा रहे थे, हंसा रहे थे। तो आनंद भी बहुत खुश था, सबको अलग अलग फेसेस देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। आनंद भी सब ये सब चीज़ें इंजॉय कर रहा था। Yeah.
करेंगे और उसके बाद हम गाड़ी में जाके जब कैब में बैठ जाएंगे तो फिर जैसे कि हमने आपको बताया था फ़्लाइट में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि गोवा एक सैन्य हवाई अड्डा है, यहाँ पे फ़ोटोशूट अलाउ नहीं है, इसलिए हमने कोई वहाँ पे वीडियो बनाया नहीं। तो अब हमने कैब कर लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। भैया आपका? अच्छा। मैंने भैया का नाम पूछा बट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी बोल दिया ओके। सो ये है फर्स्ट लुक गोवा का। अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, तो जो जो अच्छी लोकेशन दिखेगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइटिंग्स वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे शिप्स हैं, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं सारे क्रूज़ हैं और यहाँ पे सब कसिनो चलते हैं। तो मैं ड्राइवर भी अभी हमें यही बता रहे थे, ये सारे क्रूज़ हैं और यहाँ पे सब कसिनो हैं। और जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल ब्रिज है ये, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही खूबसूरत। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गोवा और अभी हम अपने रूम में हैं। तो पूरे दिन का पूरा हेक्टिक भरा दिन रहा है हमारा, पहले दिल्ली से लखनऊ से फिर दिल्ली, फिर दिल्ली से फिर गोवा, और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं। तो पूरा दिन हमारा बस ट्रैवल में ही है। और भैया हमारा मतलब इसका प्लान नहीं था, लेकिन ये बेचारा जिद करके आया, ये कह रहा है ऐसे कैसे मैं भी चलूंगा है ना, तुम भी चलोगे। मस्ती कर रहा है ये। और ये देखिए मिली है पूजा जी से। कोशिश करना कि हो सके तो जितनी मतलब डायरेक्ट फ्लाइट लो तो ज्यादा सही है, कनेक्टिंग में यार हम लोग की हालत हो जाती है, मतलब बहुत ट्रैवल करना पड़ता है कभी एक कभी सिक्योरिटी चेकिंग। तो यार सही बताए सबसे मुझे वाहियात काम वही लगता है, सबसे बोरिंग काम। और इतना मतलब बच्चे के साथ जा रहे हो तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए प्लीज़ आप हमेशा जब भी जाओ छोटी टूर लो, मतलब 2 से 2.5 घंटे वाली सही रहती है, और डायरेक्ट फ्लाइट होगी तो बहुत ही अच्छा, आपको भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही बेबी की होगी। ये चीज़ एक एडवाइस थी मेरी, जो प्लीज़ अगर हो सके तो फॉलो करना। सो यार अभी तो मुझे लग रही है भूख, और पूजा को भी लग रही होगी शायद, भैया को तो लगी रही है, वो भी लगे भैया, मेरे चिप्स देख। तो अब हम कुछ ऑर्डर करते हैं, पहले पेट पूजा फिर शाम पूजा, और फिर कल से स्टार्ट होगा कोहराम। तो स्टे ट्यून, हम कल से लाएंगे आपके लिए बेस्ट व्लॉग, और गोवा आपको नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।